Buddy. Chef. Oh, hi. Hello, everybody. Hi. Namaste. My son Bindu, his wife. शर्मा जी OTT के स्टार्स है, बताना चाहिए था ना। बताया तो था, आज इधर मत आना। तुम्हें किसी ने बताया नहीं, जब बीवी के हाथ में झाड़ू हो तो पति को फालतू नहीं बोलना चाहिए। अच्छा अच्छा नहीं बोलता, चलो फटाफट मेहमानों को झाड़ू बैठ के उड़ के दिखाओ। वेरी फनी शर्मा जी, वो शॉपिंग वाले ऐप पे जरा कंप्लेन करो, मैंने वैक्यूम क्लीनर ऑर्डर किया था, झाड़ू आया है। हो जाता है कभी कभी डिलीवरी इधर उधर, मैंने भी तो ऐसी बीवी मांगी थी, हो ही जाता है। डिलीवरी इधर उधर हो जाती है, कोई बात नहीं। एनीवेज अरे राजेश भाई, कितनी मोहब्बत भरी नजरों से देख रहे तुम्हें। इनको भी एक कविता सुना दो। कोई तो सुना दे शो। अगर आपने इसको देख के भी कोई कविता सुना दी, मैं मान जाऊंगा आपसे बड़ा एक्टर कोई नहीं। फिर इनको देख के मैं अपनी कविता सुनाता हूँ। हाँ जी इरशाद, देखा यही फर्क होता है, उसको देख के गुलजार साहब की सुनाई। एक कविता है मेरी, है कि हम दोनों साथ आए, एक कहानी बनी, हम दोनों अलग हुए, तीन कहानियां बनी, एक तेरी कहानी जो तुझे समझ आई, एक मेरी कहानी जो मुझे समझ आई, और एक तीसरी अनकही कहानी जो बात कर लेते जरा तो दोनों को समझ आ जाती। वाह 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 वाह। उनका कहने का मतलब भी, अभी जाओ और जाके कहानी समझो हुआ क्या। तुमको टीवी के शो पे OTT वाली बातें सुननी है मुझसे। देखा गुंडी गुंडी बीवी है ये, काश शादी भी OTT की तरह होती। कैसी वेब सीरीज, जहां तक अच्छी लगे देखो, बंद करके सो जाओ। इग्नोर कर सकते, वो कहना हमारा जो रिश्ता है वो थोड़ा सा यू नो दैट रोमांटिक कॉमेडी रोम कॉम टाइप ऑफ अ रिलेशन। मेरे को तो लगता है हमारा हॉरर कॉमेडी वाला है। बिना मेकअप के मैं तुम्हें देख लेता हूँ ना तो मुझे डर लगता है। मेकअप करके आती क्योंकि मेरी हंसी आती है, मतलब ऐसे मतलब चल ठीक है सॉरी। मेरा हो गया एक्चुअली काम, मेरे तो दो हो गए, छोटा वाला भी चलने लग गया। सोचा था ना कि तुम आंचल और त्रिदा को इंप्रेस करने के लिए बोलोगे, वो भी बोल डालो। मैंने कुछ नहीं ऐसा सोचा था, मतलब शूट के बाद क्या कर रहे हैं आप लोग? शूट के बाद उनका घर जाने का प्लान है और तुम्हारा मेरे साथ घर सफाई का, समझे? अच्छे वाह। मम्मी मदद कर दे। ये म्यूजिक क्यों बज रहा है, कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? ये देख लो मेरी सासू माँ अपने मुंह से बड़ा जूड़ा रखती है। हाय हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। हाय मुकेश छाबरा जी, दिस इज माय लेफ्ट प्रोफाइल, दिस इज माय राइट प्रोफाइल एंड माय फोन नंबर इज 02। मम्मी ऐसे कौन मिलता है? अरे मुकेश छाबरा जी हैं, पता से लोग ऐसे ही मिलते हैं। आप प्रोफाइल मत दिखाओ, चारों तरफ से सेम ही दिखती हो आप। ये जिससे मिलते हैं उसकी किस्मत बना देते हैं। छाबरा जी मुझे कुछ एक्टिंग में काम दिलवाइए। तुमको क्या जरूरत पड़ी है इस उम्र में एक्टिंग करने की? अरे दिलवा रहे थे। एक सेकंड मम्मी। अच्छा आप सिर्फ शो दिलवाते ही हैं फिल्में कि किसी को निकलवाते भी हैं आप? जानना चाहिए। अच्छा मुझे क्या जरूरत पड़ गई एक्टिंग करने की? मतलब मैं एक्टिंग करूँ ना तो उससे एक्टिंग होती नहीं है, मेरे दामाद जी कब तक संभालेंगे शो? है कि नहीं? एक हमारी माँ ही ऐसा बोल रही है। मैं क्या, मैं नहीं बोल रही, जो लिख के मिला वही है। मम्मी तुम ये क्या फालतू बातें कर रही हो? अच्छा मैं फालतू बातें कर रही हूँ? आई बड़ी, एक तो मैं दुखी हूँ इस लड़की से, मेरा मूड ऑफ कर देती है एकदम। सच बता रही हूँ मुकेश जी, काश भगवान माओ को बच्चों के पैदा होने से पहले उनका ऑडिशन भेज देता। बहुत अच्छी लाइन है, सच बहुत अच्छे, सही बता रही हूँ। सबसे पहले मैं इसे मिस फिट करती। क्या करती? काउट करती, रिजेक्ट करती। नमस्कार राजेश तेलंग जी, आप मिर्जापुर से मेरे लिए दुपट्टा नहीं लाए? वो क्यों दुपट्टा लाएंगे तुम्हारे लिए?
अरे डायरेक्टली कट्टा मांगते हुए अच्छी लगती क्या नहीं? आप लोग इन्हें इग्नोर कर दीजिए प्लीज। अच्छा मुझे इग्नोर करो और इसे बैठ के देखो, ये हो रही है दीपिका पादुकोण और इसके हस्बैंड हो रहे हैं रणवीर सिंह। मुझे क्यों बीच में घसीट रही हो आप? हाय देखा मेरे दामाद जी की कितने अच्छे हैं, उन्हें रियलाइज हो गया कि वो रणवीर सिंह नहीं है। क्या बात है, लेकिन ये मेरी बेटी ये मुगालते में जी रही है, दीपिका पादुकोण है ये। तुम कौन सी मधुबाला हो? थैंक यू मम्मी। डॉट और कॉम्प्लीमेंट दोनों में फर्क है जो तुम्हें नहीं समझ आता। ऐसा है मेरा दिमाग मत खर, आई बड़ी सॉरी, आई छोटी सॉरी, आई भूरी सॉरी। अरे आज मेरे चोटी में आकर तुझे कहूंगी मम्मी ऐसे लगे तू आइसक्रीम ना ले जाने मुझे। मम्मी तुम एक मिनट। अच्छा अच्छा छाबरा जी मैं चलती हूँ, कास्टिंग में ध्यान रखना। मम्मी तुम अंदर चलो। अच्छा मम्मी अंदर चलो। अच्छा एक टाइम होता था जब कोई भी हीरो उनको लगता था एक्टर को कि यार मैं तो अच्छा वाला ही किरदार निभाऊंगा कभी मैं, जैसे शाहरुख भाई जब बाजीगर में आए थे तो खैर उन्होंने बड़ा अच्छे से जस्टिफाई भी किया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि माहौल बदल गया है, हर तरीके की रोल एक्सेप्ट कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड थिंग है ना अर्चना जी। बट एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन उनको मिलते नहीं है टाइप कास्ट। जब आप एक बार हो जाते हो तो वो ये नहीं सोचते कि आप और भी काम कर सकते हैं उससे भी बढ़िया, देन दे से ये अच्छा किया अब आपको ऐसा ही काम मिलता है। लेकिन ओटीटी ने ये ब्रेक कर दिया है। yes, ओटीटी yes, में इतना चैलेंजिंग yes. काम लोगों का मिल रहा है। आप जयदीप को देखो, राजेश भाई को देखो, सब लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो बहुत कमाल के। पंकज त्रिपाठी को देखो, पहले वो सिर्फ उसको कॉमेडी देते थे बिफोर वासीपुर, पहले सिर्फ वो कॉमेडी रोल कर रहा था। अच्छा मैंने सुना भी है कि शायद आप और अनुराग कश्यप, आपने पंकज भाई को लड़ाई हो गई थी मेरी और अनुराग कश्यप की, तो अनुराग नहीं चाहते थे कि पंकज जी उनको मालूम नहीं था कि कौन है क्योंकि, और मैं बिकॉज ऑफ एनएसडी मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ, पंकज का एनएसडी प्ले भी देखा था, हम सब साथ के हैं। तो जब बुलाया तो बोले कौन है ये? सही एक्टर है थिएटर का, एक छोटी सी फिल्म किया है, कलकत्ता में शूट करा है। बोलो, बोला नहीं एक उनको सब नॉन फेस चाहिए थे क्योंकि बहुत कम एक्सपेरिमेंट हो रहा था नए एक्टर्स के साथ, तो वासीपुर की वजह से बहुत सारे नए एक्टर्स हैं। तो फिर मैंने बोला एक काम करते हैं, जो एक्टर आप बोल रहे हो आई डोंट नो नेम द एक्टर, और मैंने बोला पंकज को दोनों को टेस्ट करते हैं। दोनों का टेस्ट किया, उसके सामने मैंने वीडियो टेप रखा था, मैंने कहा दोनों को ऑडिशन देख लो और मुझे फोन कर देना मैं जा रहा हूँ। वो फोन करके बोले आजा आजा नाराज मत हो, कब इसको लेते हैं पंकज। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। आपको कभी कॉमेडी के रोल नहीं ऑफर हुए? करना है इसलिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ। आप ही मुझे कास्ट करोगे? हमारे यहाँ पे तो मेन लड़का उठा के असेंबल करके लड़की बनाते हैं हमारे शो में। कर लेंगे। असली लड़की आएंगी तो बहुत। एक्चुअली लगता है कि मैं बहुत सीरियस हूँ क्योंकि मैं सीरियस किरदार निभाती हूँ, पर रियल लाइफ में आई थिंक आई एम क्वाइट फ्लिप। मतलब हम कभी अपने शो पे आपको कभी कोई ऐसे कॉमेडी गैग करने के लिए बुलाएं तो आप आएंगी? सोच के बताऊंगी। सोच के बताएंगी? सीरियसली बताऊं मैं बड़ा सीरियस हूँ। हाय शाबाश। आपको जिस भी तरीके के रोल करना आप हमारे शो पे बोल सकती हैं, अगर आपको वैसा रोल मिल गया तो 10% अर्चना जी को आपने देना है। पहले काम बनवाओ। मुकेश कभी ऐसा हुआ आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं? बहुत बार ऐसा होता है जैसे रवीना जी, रवीना टंडन ने किस्सा सुना रही थी कि वो किसी रेस्टोरेंट में गई और उनको वासवानी जी ने देख लिया शायद और उन्होंने अपनी फिल्म के लिए पूछा। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि यार कोई लड़की आई और आपने देखा कि अरे ये मेरी फिल्म के लिए उस किरदार के लिए अच्छी है और उसने समझ लिया हो कि मेरे को स्टॉक कर रहा है, घूर रहा है? अरे बहुत बार होता है। मतलब पहला बच्चे से शुरुआत करता हूँ, चिल्लर पार्टी करके फिल्म आई थी, उसमें एक बच्चा था वो लोखंडवाला के रेड लाइट पे व्हीली कर रहा था, तो उसके चेहरे में इतना चालाकपन था जो फटका कैरेक्टर में चाहिए था और हमें एक्चुअल स्लम का बच्चा ही चाहिए था, तो क्योंकि किसी बच्चे को जो वो जिंदगी जिया है वो बेटर कर सकता है। तो उसको फॉलो किया जाके घर तक, उसके पहुंचे श्री जी के पीछे, उसके घर के पास पहुंचे तो उसकी माँ को लगा बच्चे उठाए, उसको छुपा लिया अपना बच्चा कि बच्चे उठाने वाला है, बच्चे उठाने वाला तो छुपा लिया। फिर उनको समझाया कि हम क्या करते, और तब इतने कास्टिंग एक नया नया प्रोफेशन, चिल्ला पार्टी को 12 साल पहले के बाद एक नया प्रोफेशन था। फिर बच्चे को उसकी माँ बाप को कन्वेंस किया, बच्चे को 3 दिन तक ऑफिस में रोज ऑडिशन किया और फिर उसको चिल्ला पार्टी में कास्ट किया, फिर उसको 2 नेशनल अवार्ड मिले पिक्चर के। सेम मुन्नी के साथ भी ऐसा हुआ, मुन्नी को एक गुड़गावा के एक मॉल में देखा था उस बच्चे को, हर्षाली को, फिर वो फिर किसी तरह वो ऑफिस में किसी को पहुंचे, उस बच्चे को ढूंढो, वो ढूंढते ढूंढते बच्चे हमको मिली, फिर वो बजरंगी भाईजान के मुन्नी बने। माय गॉड। तो होता ही है।
बहुत डर लगता है क्योंकि क्या इतने सारे लोगों को लगता है कि ये क्योंकि बहुत संभल के बात करनी पड़ती है, कोई कभी भी डांट भी देता, पागल हो गया है क्या? एक तो एक्टर सबको बनना है, पॉलिटिशियन हो, पुलिस वाले हो, डॉक्टर हो, कभी डॉक्टर के पास जाओ तो बोलते बेटा मेरे लिए भी कुछ हो तो रोल वोल दिखा दे, ये बहुत होता है। मेरे तो घर में ही मांगते रहते हैं सब, मासी बुआ चाची देख ले जरा कुछ निकलता हो तो दिलवा देना है। मेरे पूरे खानदान को ये लगता है, ये तो ये इतना मुश्किल है भाई, मेरे पिताजी कब से ट्राई कर रहे एक्टर बनने के बन नहीं पा रहे। राम जी पैरी पैर बैठे हुए।